हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ बिना प्याज और बिना आलू का दही पूरी बना रही हूँ, जो मुंबई का स्ट्रीट फूड में से नंबर वन है, बहुत ही पसंद लोग करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये पानी पूरी का पूरी लिया है। तो ये मैं कच्चे पूरी जो ड्राई वाला मिलता है उसको मैं घर में ला के फ्राई किए हैं। अगर आपको फ्राई रेडीमेड लाना है तो वो ला सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। और दही है, गाढ़ी दही है, इसको मैंने फेंट लिया अच्छे से और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये होममेड नमकीन है बेसन की, जो अगर ये आपको चाहिए, पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा लगता है डालने के बाद। और ये बॉयल उबाला हुआ जो है सो मूंग है, मूंग को भिगो के मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है उबालने के बाद। और ये धनिया पुदीना की चटनी है तीखी वाली, जिसमें मैंने हरी मिर्च डाली है खूब भर भर के। अगर आपको तीखी मिर्ची वाली पसंद हो तो तीखी चटनी डाले, नहीं तो कम तीखी तो कम डाले। और ये इमली की स्वीट यानी कि मीठी चटनी है। ये धनिया पत्ता है। मसाले में मैंने ये जीरा पाउडर लिए, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये काला नमक है और ये जो है सो चाट मसाला है। अब मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आलू, तो मैंने आलू और प्याज के बिना ये दही पूरी बना रही हूँ, जिसमें मैंने आलू यूज नहीं किए हैं ना प्याज यूज किए हैं। तो आप लोग सोचते होंगे आलू के बदला में क्या लिए, तो मैं ये स्वीट पोटैटो यानी इसको मैंने उबाल लिए अच्छे से, और उबाल के फिर इसको मैश कर दिया है। तो मैंने 12 पीस का पूरी को तोड़ के होल कर लिए। अब इसमें स्टफिंग करना है। इसमें पहले मैं स्वीट पोटैटो डालूंगी, नमक मिलाया है थोड़ा सा इसमें, और इसमें फिलिंग ज्यादा नहीं करना है। अगर ज्यादा करेंगे फिलिंग तो फिर दही डालने के लिए जगह नहीं रहेगा, तो इसलिए कम ही डालना है। अब सब मैं जो है सो उबाले हुए मूंग डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालना है सब में, ज्यादा अगर यही स्टफिंग से भर देंगे तो फिर दही डालने के लिए जगह नहीं रहेगा। दही ज्यादा इसमें भर के रखना है, दही पूरी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा तीखी चटनी डाल देती हूँ, ज्यादा तीखा है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। आप अपना हिसाब से डालें, जितना आपको पसंद हो तीखी चटनी। तो सब में मैं तीखी चटनी डाल दिया। अब इसमें मीठी चटनी डालना है। इसमें जो है सो इमली की चटनी का ज्यादा कॉम्बिनेशन है, अच्छा है। अब इसमें मैंने चटनी आलू और मूंग डाल दिए। अब इसमें दही भरना है सब में, थोड़ा थोड़ा जितना आपको पसंद आए दही, तो मैंने भर के दही इसमें डाले हैं। अब इसके ऊपर मसाला, चाट मसाला, जीरा मसाला और काला नमक छीट देना है। धनिया पत्ता, इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, तो अगर आपको प्याज पसंद हो तो प्याज डालें, ना पसंद हो तो इसमें जरूरी नहीं है प्याज डालना। अगर इसके ऊपर से आपको मीठी चटनी, हरी चटनी डालना है तो आप ऊपर से हरी और मीठी चटनी इमली की डाल सकते हैं, क्योंकि अंदर भरा हुआ है चटनी। जीरा पाउडर भी छीट देना है। आप सब कुछ छीट दे, उसके बाद जो है सो आप ऊपर से, अगर सेव है आपके पास, सेव डालना चाहते नमकीन सेव, तो थोड़ा थोड़ा सब में सेव डाल दे। दही जितना आपको भर के डालना है भरे, और एंजॉय करे दही पूरी से।
तो दोस्तों आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी रेसिपी डालूंगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।